असीं हमेशा तो ही देखते आए हाँ कि जदों भी दुनिया के कोई विपता महामारी या कोई मुश्किल आती है तो सिख धर्म के लोग हमेशा मदद के लिए सब तो अगे रहते हैं। की तुहानू पता है कि वह अजिहा क्यों करते हैं? जेकर नहीं पता तो इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के असीं तुहानू सिख धर्म बारे कुछ अजिहियां गल्लां दसांगे जिन्हां नूं जाण के हर एक इंसान नूं इन्हां दे उपर माण होवेगा। सिख धर्म की शुरुआत अज तो 500 साल पहलां भारत ते पाकिस्तान के सांझे पंजाब विच होई सी। पंजाब की यह धरती इतिहास के पक्षों भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मनी जाती है क्योंकि इस जगह से ही दुनिया की सब तो पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता रहा करती थी। इस धरती से ही हिंदू मुसलमान जैन सारे धर्मों ने अपनी अलग अलग पहचान छड़ी है। इस करके पंजाब का कल्चर भी हमेशा तो ही डिफरेंट यानी कि विभिन्नता भरिया रहा है। भिन्न भिन्न रीति रिवाजों का असर अज भी तुहानू सिखां दे उपर देखण नू मिलेगा। इस समय पूरी दुनिया दे विच सिखां दी गिणती लगभग 30 मिलियन है जिस दे विचों 83% सिख इंडिया दे विच रहिंदे हन। इंडिया दे पंजाब राज दे विच सिखां दी जनसंख्या लगभग 60% है जबकि भारत की कुल जनसंख्या दे विच सिखां दा योगदान सिर्फ 1.72% है। इस तो बिना सिख दुनिया के होर भी बहुत सारे देशों के रेंदे ने जिवें कि इंग्लैंड कनेडा अमेरिका आस्ट्रेलिया मलेशिया आदि विच। तुहानू इह जाण के काफ़ी हैरानी होगी कि इंडिया तो बाद सिखां दी सब तो ज़्यादा आबादी कनेडा के रेंदी है। इस समय कनेडा की कुल जनसंख्या के 1.5% सिख हैं। सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं तो सिख धर्म सारिया गुरुआं की सिख्यावां के उपर ही आधारित है। सिख धर्म के सारे गुरुआं का अपना अपना महत्व है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु हुए तो वह सिख धर्म के मोढ़ी भी हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी ननकाना साहब विखे होया जो कि अज पाकिस्तान के है। गुरु नानक देव जी बारे दसिया जाता है कि वह बचपन तो ही काफ़ी अलग सन। उन्होंने बचपन तो ही बड़िया वर्गी सियाणप से जिड़ी कि उन्होंने बच्चों तो अलग करती थी। बड़े होने उपरंत गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी चले गए जिथे जाके उन्होंने मोदीखाने के नौकरी की। इस नौकरी के दौरान गुरु नानक देव जी लोगों के फैलिया बुराइया भ्रष्टाचार ऊंच नीच जात पात को देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे सन। इस दौरान वह सुल्तानपुर के नेड़े बेई नदी के इशनान कर गए तो अलोप हो गए। जो 3 दिन बाद बेई नदी तो बाहर आए तो उन्होंने इस घटना बारे लोगों को दसिया तो उन्होंने कहा कि दुनिया के कोई भी इंसान हिंदू मुस्लिम या ईसाई नहीं है। यह गल उन्होंने इस करके कही थी क्योंकि वह दुनिया के सारे लोगों को बराबर देखते सन। गुरु नानक देव जी तो बाद सिख धर्म के 9 गुरु होर हुए। इन्होंने सारे गुरुआ ने भी लोगों के एक परमात्मा सारे इंसानों की बराबरता का संदेश दिता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें आखिरी गुरु हुए हैं जिन्होंने सिखा हमेशा केस कड़ा कंगा कृपान खशहरा पा के रखने कहा। इस पालन करने वाले सिख अज भी दुनिया के हर जगह से मिल जाएंगे। उन्होंने सिखा के आखिरी गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को एकत्र किया उन्होंने अंतम रूप दिता। अज के दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सिखा के आखिरी जीवित गुरु के रूप में जाने जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्टार्टिंग सब तो पहला एक ओंकार लिखा आता है जिसका मतलब है कि परमात्मा एक है। एक परमात्मा के विश्वास होना यही सिख धर्म की सब तो वड्डी महत्वपूर्ण आस्था मनी जाती है। सिखा का मानना है कि परमात्मा का ना तो कोई रूप है ना ही कोई आकार है, ना वह औरत है ना ही वह पुरुष है। वह हर एक चीज के मौजूद है ते उसनु शब्दां दे विच बयान करना मुश्किल है। गुरु नानक देव जी हमेशा इस गल दे उपर जोर दिंदे सन कि परमात्मा नू अलग अलग तरीकियां दे नाल समझिया जा सकता है। वह कहते सन कि परमात्मा किसी दे लई भगवान विष्णु हो सकते हैं किसी दे लई अल्लाह हो सकते हैं जां फिर कोई भी हो सकता है जिस दे विच लोकां दी शरदा होवे। इसलिए वह कहते सन कि किस दा रब सच्चा है किस दा झूठा। लोगों नू इह गल्लां करके आपस दे विच नहीं लड़ना चाहिए। सिख धर्म उन्हां दे कर्मां दे अनुसार स्वर्ग नरक दे विच जाण ते आधारित नहीं है बल्कि इस धर्म दे विच धरती दे उपर ही जीवन नू स्वर्ग अते नरक मन्निया जांदा है। सिखां दे अनुसार इंसान मरन तो बाद अपने कर्मां दे हिसाब दे नाल धरती दे उपर अलग अलग रूपां दे विच जन्म लैंदा है। इह इक जाल दी तरह है जिस तो हर इंसान मुक्त होना चाहुंदा है। इसलिए सिख धर्म दे विच हर एक इंसान दा उद्देश अपने आप नूं परमात्मा दे नाल जोड़ के जन्म मरन दे चक्करां दे विचों मुक्त होना हुंदा है। अजिहा उदों ही होवेगा जदों इंसान अपने आप नूं पूरी तरह दे नाल हंकार तों मुक्त कर लवेगा। सिख धर्म दे विच इस नूं मुक्ति दा मार्ग कहा जांदा है। सिखां दा मानना है कि इंसान माया दे जाल विच फस के परमात्मा तों दूर हो जांदा है। तुहाडी जानकारी लई दस दिंदे हां कि जिहड़ी भी चीज इंसान नूं परमात्मा तो दूर करती है वह माया खवाउंदी है। गुरु नानक देव जी कहिंदे सन कि माया इंसान अते परमात्मा दे विचकार एक कंध दे रूप विच खड़ी हुंदी है। इह कंध 5 चोरां दे नाल मिल के बनी है ते इह 5 चोर ने काम क्रोध लोह मोह हंकार। गुरु नानक देव जी कहिंदे सन कि हर एक सिख का फर्ज है कि वह 5 चोरां तों मुक्त होकर अपना जीवन बतीत करे क्योंकि जदों तक इंसान यह 5 चोरां नूं नहीं छड्डेगा उदों तक उसनूं मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु नानक देव जी कहिंदे सन कि जिन्नियां भी इंसान दे जीवन दे विच परेशानियां ते मुसीबतां आउंदियां ने उह सारियां माया अते हंकार दे कारण आउंदियां हन। जिहड़ा इंसान माया दे चक्कर दे विच फस के अपना जीवन बतीत करदा है सिख धर्म दे विच उस नूं मनमुख कहा जांदा है। दूजे पासे जिहड़ा व्यक्ति मोह माया ते हंकार नूं त्याग के प्यार सच दया संतुष्टी दे नाल परमात्मा दा नाम जपदा है वह गुरमुख कहाउंदा है। गुरु नानक देव जी दसदे ने कि सिख धर्म दे विच 3 पिलर जाने के 3 थम्म ने। इन्हां थम्मां दे तरीकियां दे उपर चल के कोई भी इंसान गुरमुख बन सकदा है। इस दे विच पहले थम्म दा मतलब है नाम जपना जाने के परमात्मा दा नाम जपदे हुए सानूं हर रोज ध्यान लगाउणा चाहीदा है। इस दा दूजा थम्म है कि
व्यक्त करना कि सानू अपना काम इमानदारी नाल ते पूरी मेहनत दे नाल करना चाहिए है। सिख धर्म का तीजा थंब है वंड छको, क्योंकि अपनी कीती हुई कमाई नू दूजियां लोकां दे नाल वंडना। इसलिए सिख धर्म के लोग अपने कमाए हुए धन नू लोकां दे विच लोड़ अनुसार वंडदे हन, ते नाल ही सिखां वल्लों गुरद्वारा साहब ते होर जगह ते चलाया जांदा लंगर भी इस वंड छको दा ही हिस्सा है। गुरद्वारा साहब दे विच हर धर्म जात ते हर वर्ग दे लोकां नू मुफ्त दे विच लंगर छकाया जांदा है। इंडिया दे विच मौजूद श्री अमृतसर साहब दे विच स्थित हरिमंदर साहब सिखां दा प्रमुख स्थान है, जिस नू गोल्डन टैंपल दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। तुहानू इह जाण के काफी हैरानी होवेगी कि इस गुरद्वारा साहब दा लंगर दुनिया दा सब तों वड्डा फ्री किचन कहाउंदा है, क्योंकि इस लंगर दे विच हर रोज 1 लाख तों वध लोक मुफ्त दे विच भोजन नू छकदे हन। इन्ना सारा लंगर तैयार करन ते छकाउण दे लई बहुत सारे लोकां दी जरूरत पैंदी है। इस जरूरत नू पूरा करन लई सिख धर्म दे हजारां ही लोक हर रोज गुरद्वारा साहब दे अंदर मुफ्त दे विच काम करदे हन, ते सेवा दे विच हर कोई अपना हिस्सा पाउंदा है, चाहे ओह किसे वी धर्म दे नाल संबंधित होवे। असल दे विच सिख धर्म दे लोक अपने अंदर दे हंकार नू खत्म करन दे लई सेवा करदे ने। सेवा दे विच गुरद्वारा साहब दी सफाई करना, भोजन तैयार करना, बर्तन मांजना ते होर भी कई तरह दे काम शामिल हुंदे ने। इही छोटियां छोटियां चीजां इस धर्म नू दूजे धर्मां तों अलग बणाउंदियां हन। हुण आपां गल करदे हां जी खालसे दे बारे, क्योंकि सिखां नू जिस रूप दे विच असीं अज देखदे हां उहनां नू इह रूप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तों मिलिया है। इह गल 1699 दी है, जदों सिखां दे उपर मुगलां तों खत्म होण दा खतरा मंडरा रिहा सी। उस दिन विसाखी वाले दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां नू 5 सिर देण नू कहा। गुरू साहब दी इह गल सुण के सारे लोक हैरान रह गए, पर उहनां दे विचों 5 लोक अजिहे सन जिहड़े कि अपने सिर दी कुरबानी देण लई तैयार हो गए। गुरू साहब ने लोकां दे सामने आ के इहनां नू 5 प्यारिआं दा नाम दित्ता। इस तों बाद गुरू गोबिंद सिंह जी ने इहनां 5 प्यारिआं नू मिठा जल दित्ता, जिस नू कि अमृत कहा जांदा है। इह 5 प्यारिआं ने अलग अलग जात दे होण दे बावजूद भी इक प्याले दे विचों ही अमृत छकिआ, ते अमृत छकण तों बाद इह जात पात तों दूर इक नवीं कम्यूनिटी दा हिस्सा बण के जिस नू खालसा नाम दित्ता गिआ। इहनां सारिआं ने अपने नाम दे अग्गेओं जाति सूचक शब्द नू हटा के अपने नाम दे पिछे सिंह सरनेम रख लिआ। मर्दां दी तरह औरतां भी अमृत छक के इस कम्यूनिटी दा हिस्सा बणीआं, ते उहनां ने अपना सरनेम कौर रख लिआ। इस तरह सिखां दी इक नवीं कौम उभर के सामने आई, जिसने सारे सिखां नू इक परिवार दे विच जोड़ दित्ता। इस करके अज भी सारे सिख अपने नाम दे मगर सिंह ते कौर लगाउंदे ने। इह सी जी सिख धर्म दे बारे मुढली जानकारी। जेकर किसे नू मेरे शब्दां दे नाल किसे वी तरह दा दुख पहुंचिआ होए तां आपणा समझ के माफ करना। धन्नवाद।